हाँ तो 111 दिन कंप्लीट हो गए। हाँ, कैसी हाँ एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइजेस? तो ठीक चल रही है। अब कहते बोलते धीरे धीरे ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दिया हूँ। जॉगिंग करने लग गए आराम से? अभी नहीं, अभी पूछने के बाद बाकी जॉगिंग हो जाएगी आराम से। ठीक है। और कोई दिक्कत घुटने में? नहीं, अब धीरे आप हाइपर एक्सटेंशन भी आराम से आ गया है आ गया और आराम। घुटना भी मुड़ने लगा आराम से। और दोनों घुटने हाँ, साथ बस दिख, ये है कि ऐसा तो नहीं लगता एक घुटना मोटा है एक पतला है? और मसल्स मसल नहीं, मसल्स गर्द बिल्कुल ठीक है दिखता है? दोनों की। बस यही है कि घुटने के पास थोड़ा थोड़ा, मतलब ये थोड़ा, ये वाला घुटना थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे मोटा टाइप का दिखता है, बाकी ये वाला तो सिर्फ नॉर्मल जैसा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ऐसा सूजन लगता है कि सूजन टाइप की, लेकिन सूजन नहीं रहती है। नहीं, वो मसल्स वीकनेस होगा, पैर पतला हुआ होगा तो उसकी वजह से आपको लूज और थोड़ा स्वेलिंग सा फील होता होगा। आप एक बार मेरे को पिक्चर क्लिक करके अभी हैंड टू हैंड व्हाट्सएप पे भेजिए, दोनों थाई बेड पे रख के ऊपर से घुटने की एक पिक्चर लीजिए। हाँ भेज। हाँ, बैक स्ट्रेट रखिए, स्लो स्लो स्लो, जल्दीबाजी नहीं। नी को टो की तरफ पुश करते हुए ऊपर आओ। टेन रिपीटेशंस, टू सेट्स। हाँ आपको वेट लेना है, ऑपरेटेड लेग स्लाइड बेंड, और आपको हिप से बैक बेंड नहीं करना है। बैक स्ट्रेट रहेगा, लीवर की तरह आपको ऐसे बेंड करना है, नीचे की तरफ धीरे धीरे जाना है और वापस आना है। अफेक्टेड लेग स्लाइड बेंड। दो लेग्स को सीधा कर लो। वेट को ऐसे कैरी करो दोनों हाथ से। हाँ ऐसा जी, ऐसे वेट ले लो। स्लो 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 आना है, स्लो स्लो वापस जाना है। थोड़ा सा स्लो, बैक और लेग एक साथ उठना चाहिए और बैक एक साथ नीचे आना चाहिए हिप से। थोड़ा और पास आके करेंगे। ओ, मुझे दिख नहीं रहा है आप कैसे बैक को कैसे यूज कर रहे हो, शो नहीं हो रहा है। हैम्स पे आपको फील हो रहा है? हैम्स हाँ थोड़ा सा और बेहतर करो इसे। आप जब तीनों कोन टच कर लेंगे तो सेंटर में खड़े हो जाना है। ओम, खड़े हो जाइए। अफेक्टेड लेग स्लाइड बेंड, नॉन अफेक्टेड लेग का लेग स्ट्रेट करके आपको टच करना है, तीनों कॉर्नर पे टच करना है। बॉडी को आगे पीछे शिफ्ट नहीं करेंगे, बॉडी सेंटर में रहेगा। जस्ट लेग को कंप्लीटली एक्सटेंड करना है, जितना सीधा हो सकता है टच, और वापस सेंटर में आना है। बट आपको लेग को ग्राउंड पे टच नहीं करना है। तीनों कोन टच करने के बाद आपको सेंटर में दोनों लेग से खड़े हो जाना है। ठीक है? ठीक है, एक बार करके देखता। हाँ, ठीक है। ये आपको 10 रेपिटेशंस कंटिन्यू करना है। ठीक है, ठीक ठीक है? अभी स्लो स्लो वापस आओ।
ओम, फास्ट जाओ हाँ नीचे, स्क्वाट करते हुए जाओ, और 10 की काउंटिंग में धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्लो थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. व्हाट्स पे फील हो रहा है आपको? ठीक हाँ है, कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. हाँ वो एलिवेटेड एलिवेटेड वाला पहले से किए थे, मतलब एलिवेटेड हिल रेस पे ट्रेड। हाँ, एलिवेटेड सिंगल लेग हील रेस कंटिन्यू रखिए, सिंगल लेग वेट लेके हाथ में, और 15 के 2 सेट, ठीक है, हाँ और जिम की एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखो, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, साइकिलिंग एंड ट्रेडमिल. वो तीनों एक्सरसाइजेस आपको लेग प्रेस, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, आपको डबल लेग भी करना है, सिंगल लेग भी करना है. 10 रेपिटेशन सिंगल लेग, 10 रेपिटेशन बोथ लेग. वो क्या बोलते हैं, लेग प्रेस में मैंने वेट बढ़ा दिया क्योंकि वो जो वेट था हल्का लग रहा क्या कह रहे हैं आप? था। लेग प्रेस में जो पहले वेट कर रहा था मैं, तो वो हल्का लगने लगा था, तो फिर मैंने वेट बढ़ा दिया। ठीक है, वेट बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बट हाँ, 5 से 6 दिन में एक नया वेट कंफर्टेबल हो तो बढ़ा लो. नेक्स्ट वेट गैप नहीं फिल. वो कंफर्टेबल था इसलिए मैंने बढ़ा दिया। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू करो, सिंगल लेग बोथ लेग, कंफर्टेबल वेट, अभी आराम से बॉडी वेट का 10. अभी आराम से लेग प्रेस में 14.5 किलो या 15 किलो आराम से चले जाते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल हो और और बढ़ाओ अभी लेग प्रेस में, और हाँ बढ़ाओ. ठीक है, अभी बीच में कहते बोलते एक बार तो उसको भी, वो भी ठीक लग रहा था तो। ठीक है, ओके, टेक केयर, हाँ और भेज देना। ओके. हाँ।